हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं इमरान खान न्यू वायरल टिकटॉक वीडियोस। मेरे पास जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है वो इमरान खान सर की वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा आती है। मेरी मोस्टली जो ऑडियंस है वो इन्हीं की वीडियोस की मुझे ज़्यादातर डिमांड करती है, और उनकी टिकटॉक वीडियोज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। बिकॉज पाकिस्तान में टिकटॉक आज भी चल रहा है, बट इंडिया में टिकटॉक कब का बैन हो गया है, बट हमें वहीं की वीडियोज़ मिली जाती है इमरान खान सर के लिए। सो एनीवेज, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेकआउट कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखना, बट बिफोर आई स्टार्ट इस वीडियो को लाइक शेयर में चैनल को सब्सक्राइब करना, टू ऑल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम अगर आप लोगों ने वहां मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। जो जिंदगी है ना वो कभी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती। कोई आज तक दुनिया में ऐसा इंसान नहीं आया जो एकदम जीरो से एकदम कामयाब हो गया। वो एक साइकल्स में जाता है, ऊंच नीच जिंदगी का नाम है। एक बंदा जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं, इस पर कोई उसके पास कोई, वो रोजाना कौम से खिताब करता है, और जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जिसके पास पीटीवी है उसका कौम से खिताब कोई नहीं सुन रहा, जिसके पल्ले कोई शह नहीं, एक मेरी तरह कैमरा है उसका कौम से खिताब हर बंदा सुन रहा है। आज प्रेसिडेंट पुतिन के मुंह से निकला है कि आजादी और सहाबत के नाम पे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने उसने स्टेटमेंट दिया है कि आप आजादी है राय के नाम उसके पीछे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। ये पहली दफा हुआ है। मुझे फख्र है कि यूएन में, ओआईसी में, दुनिया में मैंने इस चीज को उठाया, और आज इंशाल्लाह यूनाइटेड नेशंस की जनरल इस मुल्क में ये इतने नालायक ना है, नकम्मे नकट्ठू, और इनकी कोई इज्जत नहीं है। सबको पता है ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, बेईमान हैं, मनी लॉन्डरर हैं। इमरान खान को नाहल करार देना या उसकी पार्टी पर पाबंदी लगाना, ये अहमकों की जन्नत, अहमकों की दोजख में रह रहे हैं, जन्नत भी नहीं कहना चाहिए। आप बड़ी बातें करते हैं, हमने मोटरवे बनाया, अच्छा किया, किसी पे एहसान नहीं किया। बहुत पावरफुल इमरान खान साहब ने कोई अच्छा काम किया है या करेंगे, हमारा भी किसी पे एहसान नहीं है, अपनी ड्यूटी की है। आप पूछते सवाल क्यों हो हमसे, सवाल तो होगा। एक शख्स ने किसी शख्स को कहा ऐ लोग मेरी बात सुनो, दूसरे शख्स ने कहा मैं क्यों सुनूं। आपको पता है ये सवाल किससे हुआ कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, ये उस शख्सियत से सवाल हुआ जिसके बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कह लोगों सुनो मेरे बाद अगर कोई पैगंबर होता तो उमर होता, लेकिन नबूवत का और रिसालत का दरवाजा बंद हो चुका। जब उमर है फारूक आजम से सवाल हो सकता है तो कौन है नवाज शरीफ, कौन है आसिम सरदारी, और कौन है इमरान खान, और कौन है अली मोहम्मद। सही बात, अगर आपसे हुकूमत नहीं होती थी तो ये साजिश की क्यों? आज कह रहे जी बड़ी मुश्किल हालात है तो ना साजिश करते। आज कह रहे जी इमरान खान की वजह से सब कुछ हुआ तो इमरान खान को रहने देते। ये बात बूट पॉलिश करके और अपनी शक्ल बूट के अंदर देख के इतने जबरदस्त तरीके से बूट पॉलिश करके आप इक्तदार में आ गए हो तो आप जिम्मेदारी लो। अब तुम्हारा काम है, साजिश की है, अब जरा ठीक करके दिखाओ, बजाय इधर उधर ना भागो, तुर्की ना जाओ, अभी यहाँ बैठ के काम करो। लेकिन सबसे खौफनाक चीज उसके ड्राइवर की बीवी को उठा लिया और उसकी 10 महीने की बेटी, ये जरा आप देखें। ये अगर मैं जाती मफादात के लिए पॉलिटिक्स में आता कि जिस इंसान को अल्लाह ने सब दिया था उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि 26 साल अपनी जिंदगी के पॉलिटिक्स में गुजारे और इन गंदे लोगों के साथ मथा लगाए। अब तक सरेआम इमरान खान की गिरफ्तारी की बात भी करने लगे। सरेआम आप तो ऐसे एटीट्यूड से बात करें जैसे आप मुल्क के वजीर आजम लग गए हो या फिर सदर लग गए हो। हाँ लगना बहुत कुछ चाहते हैं, बनना बहुत कुछ चाहते हैं, वो लग पाते हैं, मिलता कुछ नहीं आपको। आप अपनी हैसियत देखकर बात करें। ज़हूर नजर का शेर है, बड़ा खूबसूरत। मैं साजिशों में घिरा एक यतीम शहजादा,
कोई छुपा हुआ खंजर मेरी तलाश। तो मैं जब अपने अल्लाह के पास जाऊंगा, मैं उसे एक चीज सुनना चाहता हूं, मैं सिर्फ उसे एक चीज सुनना चाहता हूं कि मेरा अल्लाह मुझे ये कहे कि शाबाश इमरान, सुने 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 कि तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिखा दिया। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर करने और जस्ट करने अपने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। आज मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है। सारे इकट्ठे हुए इमरान खान को हराने के लिए अपनी कौम के पास जाऊंगा, आप सबको प्यार करूंगा। जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। और जब तक हम जिंदे हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा सच्चा लीडर है, ईमानदार लीडर है। पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा। हर तरीके इंसाफ के लिए उनके वोटर सपोर्टर है इमरान खान साहब के लिए, उनका बयानिया भी हिट हो गया। पर मैंने अपनी लाइफ में इस तरह किसी को इक्तदार से निकलकर दोबारा वापस पावर में आते नहीं देखा। ये वीडियो अभी तक का मुझे सबसे बेस्ट वीडियो लगा है। मतलब इमरान खान सर के नो डाउट सारे वीडियो बेस्ट होते हैं। मैं एडिटिंग की बात कर रही हूँ, बिकॉज जनरली मैंने जितनी वीडियोस पे रिएक्शन किया ना, उसमें म्यूज़िक ऐड कर देंगे, सॉन्ग ऐड कर देंगे। मुझे इमरान खान सर की जो डायलॉग्स वाली वीडियो होती है ना, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा मतलब खोज रहती है, तलाश रहती है। और मुझे वैसे वीडियोस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर वो म्यूज़िक एंड ऑल लगा देते हैं, उसकी वजह से मेरी वीडियोज़ में कॉपीराइट और आ जाता है, तो कई बार मुझे वो ऑफ भी करना पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर उनके ऑलमोस्ट सारे डायलॉग्स थे, बेस्ट डायलॉग्स भी क्या बोलो यार, वो उनके दिल से निकली आवाज़ है, वो कोई डायलॉग मेडअप नहीं है, वो ऑन द स्पॉट बोले गई चीज़ें हैं। लोगों के दिलों को जिन बातों ने उनके छू लिया है, वो सारी चीज़ें हैं। एंड मुझे इनका ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा। वीडियो की एडिटिंग लाजवाब। जो उन्होंने एक लाइन बोली थी ना कि मतलब मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरने के बाद अल्लाह ताला के पास जाऊँ, तो अल्लाह ताला मुझसे ये बोले कि तूने अपनी उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा दिया। मुस्लिम लीडर होने के साथ साथ उन्होंने सिर्फ अपनी पोजीशन नहीं, उसके अलावा उन्होंने जो है इन चीज़ों के बारे में भी बात रखी है। अपनी आवाम के आगे हमेशा वो पहले कलमे का जिक्र करते आए हैं। शुरुआत से अब तक हम कोई इनकी स्पीच भी देखते हैं तो वो अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करते हैं, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कई सारे किस्से बयान करते हैं। पॉलिटिकल भी काम कर रहा है, और साथ ही साथ वो थोड़ा सा जो है मतलब इस्लामिक चीज़ों को भी साथ लेकर चल रहा है। तो उससे क्या होता है, आपकी आवाम भी एक सही डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि कहते हैं ना जब आपका लीडर सही होगा तो ही आवाम भी तो उसी को फॉलो करेगी ना। अगर लीडर ही गलत होगा तो आवाम फिर क्या ही रास्ता फॉलो करेगी। लाइंस, उनके डायलॉग्स अमेजिंग यार, बहुत ही अच्छा वीडियो था। इतनी पावरफुल वीडियोस लग रही थी, इतने जोशीले अंदाज में उन्होंने जो भी कुछ बोला, जबरदस्त। तो सच में उनको जो सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि वहां पर एक लाइन लास्ट में बोली थी कि पहला ऐसा लीडर है जो कि हटने के बाद वापस से आने के जिसके चांसेस हो रहे हैं, तो पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। तो वाकई लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं और लोग उनको वापस से देखना चाहते हैं, एज अ पीएम लोग उनको देखना चाहते हैं। सो गाइज, मुझे ऐसी वीडियोस अगर आप लोगों की भी लिस्ट में हो ना जिसमें इमरान खान सर के मुंह से कहीं भी डायलॉग्स हो, मुझे इस टाइप की वीडियो बहुत ज़्यादा तलाश रहती है। अगर आप लोगों के नॉलेज में कोई भी ऐसा वीडियो हो तो कमेंट में जब आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करो तो प्लीज़ वीडियो का लिंक भी साथ अटैच कर देना, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।